हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू निकीज वर्ल्ड। आज है कॉलेज का आखिरी दिन और कॉलेज में आज प्रैक्टिकल एग्जाम भी है। मैं आज बहुत दिनों के बाद कॉलेज जा रही हूँ क्योंकि ऑफिस से छुट्टी लेकर के कॉलेज जाना पॉसिबल हो नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा एटलीस्ट एग्जाम वाले दिन छुट्टी लिया जाएगा और उसी दिन कॉलेज जाएंगे। तभी बस ट्रैफिक से बचते बचाते बस स्टैंड पहुँच चुकी हूँ। बस स्टैंड से कॉलेज तक जाने के लिए मेरे पास मेरा पर्सनल ड्राइवर है। जानना चाहते हैं कौन, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। A few minutes later, अब तक मेरा पर्सनल ड्राइवर भी रामधनु मोड़ पहुंच चुका है। ये है मनीष, मेरा फ्रेंड। आप ज्यादा ना सोचें, ये बस मेरा फ्रेंड ही है। और इसका ये लुक देखकर आप ये ना समझे कि ये कोई डाकू है। इस लुक के पीछे का कारण यहाँ की चिलचिलाती गर्मी है। गर्मी तो लग रहा है जान ही ले लेंगे। और अब हम लोग कॉलेज पहुंच ही चुके हैं। गाइस, जिंदगी बर्बाद करने के कई तरीके थे और मैंने ये चुन लिया, क्या ही बताऊं। इसी के साथ अब हम अपने कॉलेज पहुंच चुके हैं। कॉलेज जाने के बाद सबसे पहले मैं गई अपने एनसीसी रूम। इस रूम से जुड़ी कई यादें हैं, मैं आपके साथ उन यादों को भी जरूर शेयर करूंगी। कुछ देर बाद मेरा मुंह बोला भाई विश्वजीत भी कॉलेज आ जाता है। हम दोनों के भाई बहन की कहानी कॉलेज में इतनी फेमस है कि लोगों को लगता है कि हम असली के भाई बहन हैं। यह है शिवम, इसको देखकर बस एक ही गाना याद आ रहा है। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आंसिक सूली चढ़ जाए। बस बस, इससे ज़्यादा गाना गाया तो कहीं आप मुझे अनसब्सक्राइब ना कर दें। इसी के साथ हमारे एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम भी हो जाता है। सभी अपने अपने सीट पर बैठ चुके हैं। अब मुझे वीडियो बनाने से फुर्सत नहीं है। सर यहाँ हम लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ सना का वाइवा चल रहा था। जिन लोगों के वाइवा अभी बाकी थे वो बड़ी बेसब्री से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, और जिनका टेस्ट हो चुका था वो इधर बैठकर गप्पे मार रहे थे। एग्जाम के बाद हमने ढेर सारी फोटोज ली। लैब से निकलकर बाहर हमने खाई चाट और की ढेर सारी बातें। ये दिन बहुत ही यादगार था हमारे लिए। इसके बाद हम सब ने किया ऑटो बुक और चल दिया घर की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।